मेड्यूल 78 एट कॉस्ट लाइन जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं टू प्रोड्यूस एनीथिंग फार्मर हैज टू बियर सर्टन कॉस्ट और ये जो कॉस्ट है जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक एक्जम्पशन थी कि प्राइसेस ऑफ इनपुट रिमेन कांस्टेंट और देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ इनपुट दैट रिवेल्स इन दार्केट और एसो कॉस्ट लाइन क्या है दिस इज अ लाइन that represents various combination of two inputs that a farmer can purchase by using his allocated budget by using his allocated cost to carry out a particular production it shows basically different combination of two inputs that a farmer can purchase by using his allocated amount of resources और यहां पे क्या होगा कि आइसो कॉस्ट लाइन डिपेक्टी डिफरेंट कंबिनेशन लेबर एंड कैपिटल दैट फार्मर कैन परचेज बाय यूजिंग गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिपोर्ट कर दूं तो हम यहां पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं जिसमें हम पी और हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं एल ये किस चीज को डिनोट करता है इट डिनोट्स प्राइस ऑफ लेबर और एक मेरे पास कैपिटल एल के साथ भी है इसी इक्वेशन में और वो डिनोट करता है मेरे पास यूनिट्स ऑफ लेबर अगर मैं प्राइस ऑफ ऑफ लेबर को यूनिट्स लेबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ दैट आर कैरीड आउट बाई फार्मर ऑन लेबर और फिर प्लस के साथ दूसरे मेरे पास पार्ट में क्या है कि वो यार रिपोर्टिंग हेयर पी और के यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में है और जो के सब्सक्रिप्ट में पी के साथ पी के साथ वो मुझे डिनोट करता है दिस इज प्राइस ऑफ कैपिटल और वहां पे जो कैपिटल के है मेरे पास एट डिनोट्स यूनिट्स ऑफ कैपिटल जब मैं प्राइस ऑफ कैपिटल को यूनिट्स ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करूंगा वो वो मुझे रिपोर्ट करेगा एक्सपेंडिचर्स ऑन कैपिटल ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एट बेसिकली रिपोर्ट एक्सपेंडिचर्स ऑफ फार्मर ऑन लेबर एंड कैपिटल और ये जो एक्सपेंडिचर्स ऑन लेबर एंड कैपिटल

डॉट लगा हुआ यह क्या इंडिकेट करता है इट डिनोट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेबर दैट अ फार्मर कैन परचेज व्हेन ही एलोकेटेड ऑल ऑफ़ एलोकेटेडोर्स ऑन द परचेज ऑफ लेबर और इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे टेन पॉइंट पे जो डॉट है वो रिपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ फार्मर कैन परचेज बाई यूजिंग ऑल एलोकेटेड रिसोर्सिस ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल और इन सारे कंबिनेशन इन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के दरम्यान में जो डिफरेंट जो आपके पास हैं कम्बिनेशन वो बेसिकली रिपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट आ फार्मर कैन परचेज बाय यूजिंग एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड बाय यूजिंग ऑल दीज कंबिनेशन दैट आ फार्मर कैन परचेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज यूजिंग एलोकेटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इसको हम कहते हैं दिस इज कार्ड एज आइसो कॉस्ट लाइन आइसो कॉस्ट मीन सेम कॉस्ट कर सेम कॉस्ट अगेंस्ट डिफरेंट कंबिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल और ये जो आइसो कॉस्ट लाइन का कॉन्सेप्ट है ये एक बड़ा क्रूशल रोल प्ले करेगा इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स दैट अ फार्मर Will use to produce level of output.